जय श्री राम आप सभी को। तो मैं उठ चुका हूँ, मैं फ्रेश हो चुका हूँ। इसके अलावा मेरे पास जयती तो और रोहित दोनों का कॉल आ चुका है और उन्होंने मुझे आज उठाया है। तो देखते हैं, अभी अब मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, ये पानी गर्म हो रहा है हमारा। तो अब थोड़ी देर में जिम निकलते हैं और वहाँ पर जो होता है फिर आपको बताते हैं आज क्या क्या करते हैं। ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी उठो सब लोग। जय श्री राम। ओ हम उठ के चल रहे हैं जिम के लाने, जयती भाई हैप्पी बर्थडे टू मी कर रहा है और रोहित भाई भी आ चुके हैं। देव बुट बुट से ठंडी लग रही है आज, ठंड कम है कि ऊपर आ रहा है। ऊपर ले ले डाल दो रात में टोपर पर क्या मैं ऊपर है तो देख नहीं मिल जा। तो चलो जिम में मिलते हैं। हा हा रोहित कह रहा है जैती 6-5 से पहले घर से निकलता ही नहीं है। मुहूर्त है रे, मुहूर्त है, मुहूर्त सुबह जाने का। पहुंच गया जिम, देख रहा गेट लगा दिया। हेलो सर जाओ, जय बात भाई साहब, जय जय श्री राम। जिम जाते जिम में बहुत जोर से जिम करेंगे, जिम करेंगे, जिम करेंगे, जिम करेंगे, जिम 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 में घुस गया सबरे आज। जय बात, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम लोकेश भैया। तो चलो गाइस बहुत जोर की करते हैं जिम, जिम 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 हो रहा है बहुत जोर से। कोई है नहीं है, कोई भी नहीं है गाइस, बस मैं हूं और मैं ही हूं, कोई है ही नहीं है। क्या करें, एक जे है टू यू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। चलिए कल ने गाइस घर वाले नहीं दे रहे ऐसे चाय। देखो ये यहाँ बैठ के चाय पी रहा है, पी के दिखाओ जल्दी देखो आप। ओए जल ये टाइम बता रहे गाइस, ये देखो चाय टाइम बता रहे चाय, वाओ वेरी टेस्टी चाय। और एक जे लगा है बो 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 बो, जल्दी कर उड़ जा चिड़ी, उड़ चिड़िया, उड़ी उड़ी चिड़िया, उड़ी चिड़िया। भाइयों हो गई है जिम खत्म, रोहित चला गया जल्दी, आज उसको गांव जाना था। दूरी बेहतर है तुझको कहती है तन्हाइयां। तो दरबार, तो रोहित को जाना था जल्दी घर, रोहित चला गया है। अब हम निकले हैं जिम से बाहर। जयमतीत, ओ जयमतीत गाली मत दे, तेरी यादों से तू अच्छी है भाई साहब। जे है जयमतीत। हाय गाइज, हाय गाइज 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 गाइज, चलो घर चलें भैया चलो। तो गाइज मैं नहा के हो गया था तैयार, पता चला कि सामने घर में शादी है तो उनकी जा रहे हैं मर्दार लेने, जिसको मंडप लगता है तो उसको मर्दार बोलते हैं हमारे इधर। तो मैं और मेरा दोस्त छोटा भाई बोल सकते हो आप उसे, अमित, दोनों जा रहे हैं मर्दार लेने और लोग हमें वहीं रास्ते में मिलेंगे। तो आपको दिखाते हैं, आगे से चलने के यहीं से आगे से चलो। तो जा रहे हैं ये हमारे अमित भाई हैं, है कि नहीं, आपको दिखाते हैं हमारे इधर की शादी कैसी होती है। ये देखिए ये गाड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, दिख नहीं रही गाड़ियाँ कितना कहीं दिखी नहीं रही गाइस, गाड़ियाँ दिख रही नहीं दिख, गाड़ी ये है और ये गाड़ी खड़ी हैंगी और ये वाला कार के सामने घर है। अब आ गए हैं हम आधी रास्ते में और जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप आगे की तरफ। ये हम जा रहे हैं सुनारी, सुनारी में सुनारी का जंगल है, यहाँ पे अच्छी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं सुनारी और ये यहाँ से कच्ची रास्ता है, देख चलेंगे। देखो ना
ये पीछे लकड़ी चलो भैया, यहाँ पे रास्ता खतरनाक, गड़ 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 गड़। आओ आ गए जंगल। जे भैया जे भैया जे भैया जे भैया, कुल्हाड़ी किसके पास है? हाँ भैया, कुल्हाड़ी लेके ही नहीं आ गाइस, उम्रदार काटेंगे अपन अब, जल्दी जल्दी तुम्हें दे दो कुल्हाड़ी। लोग आ रहे हैं पैदल तो उनको लेने जा रहे हैं भैया, एक गाड़ी चली गई एक और चली गई। अब जब तक वो पैदल आते हम इंतजार करेंगे, हमारे पास भी नहीं है कुल्हाड़ी, नहीं हम ही काटना शुरू हो जाते। कुल्हाड़ी आएगी इसके बाद फिर काटेंगे, है कि नहीं अमित भाई? बिल्कुल ये हमारे अमित भाई पत्रकार साहब। अरे यार हाँ, जैतीत के यहाँ जाते रहते तो हम बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ये देखिए अब काटेंगे लकड़ी। कुल्हाड़ी दिखाओ पार्टी भाई, जो देखो जो कुल्हाड़ी है, अब जो देख रहा है लकड़ी कौन सी काटना है। थुनिया भी निकल जाएगी, सब निकल जाएगी। अब जल्दी जल्दी काट लेते हैं और फिर चलते हैं, इसको काटेंगे। झोल लगी पूजा डाल दो डाल दो, बत्ती बन जाए। हाँ जोर से जोर लगा के हैया, हल्के हाथों से काम हो जा रहा। हाँ जोर तो लगाना पड़ेगी। बहुत है पार्टी जो कर रहा है तुम जगह लेके आए, हम तार के संग खेल रहा हो, खेल रहे 18 भाई तो रास्ता उसने जे चले ऊपर पार्टी। हाँ जा पार्टी डीजे वाले भाई साहब फोन आओ तो चले चलो। तो साथियों बहुत ऊपर आ गए हम, यकीन तो हो ना रहा होगा। तो जे देख लो थक गए, एक भैया और ऊपर जा रहा है। कहा भैया कहाँ जा रहा हो? काय की फोटोकॉपी, और एक दद्दू वहाँ काट रहा है और बाकी नीचे काट रहा है, काट रहे हैं, काटो भाई। तो गाइज जंगल में आके बैठ गए हैं, बहुत ही ऊपर, इतनी ऊपर मैंने सोची ना थी कि इतनी ऊपर भी आ जाऊंगा मैं। वो रहो गांव इतक जो है गांव, और हमें तो आएंगे ऊपर। मुझे डर तो नहीं लग रहा हूँ, गर्मी ज़रूर लग रही गाइज। अब तीन ही वहाँ सौट बैठे के कितने हो गए, दिखाई ना रहा है मुँह तो बहुत। तो गाइज लकड़ी कट चुकी है, पूरी नहीं है लेकिन इतनी सी है, और हम बहुत जोर से थक गए हैं। नाश्ता की व्यवस्था होना चाहिए यहीं पे, यहीं पे नहीं, नाश्ता तो कर लिया सवेरे। बोलू भाई के गाइज सभी हैं यहाँ पे, गाइज गाइज यहाँ में तो भाई आ चुके हैं भाई। अब उनको नीचे ले चलेंगे, अब ले जाएंगे कैसे खचोड़ के उठा के रख के देखो। तो गाइस कट गई है मर्दार, और अब लेके चल रहा है लकड़ी। कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ पीछे हैं, चलते हैं और फिर रखने के बाद ऑफिस निकलेंगे, ठीक है? तो बहुत सारी कट गई थी, ये पीछे और कहाँ पड़ी है, कुछ ये पड़ी है, और इतने सारे लोग हो गए, लेके चलते हैं घर। तो ये हो रहा है खाना, पानी खाना, कानी पानी खाना। हाँ पार्टी बना लेते यार, पार्टी फेमस तो मैं। तो ये आ गए हमारी मर्दार, आंटी नहीं आने वाली है, पूजा होगी और फिर चलते हैं। अरे ठीक है अंकल जी बदल लेंगे। ये हैं दूल्हे के पिताजी। जो हो गई पूजा, गाड़ी की पूजा भी होगी। जा दे दो, जे मिल गया बसेता, बसेता खाओ। नहीं
नहीं ये बात है तो बंद ही रहने बिया हो जा बात को भी ले तो गाइज हम आ चुके हैं हमारे ऑफिस। थक चुका हूँ मैं काफ़ी, आपको पता ही है क्यों। तो अब चलो करते हैं काम। ये रहा हमारा सिस्टम, शुरू करते हैं काम। लेके प्रभु का नाम, चलो भैया करो काम, जय जय श्री राम। तो गाइस काम पे आ चुके हैं, काम पे आए पता चला जीतन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं आज। तो गाइस आज हमारी जो है लंका लग गई थी सुबह से, सुबह 6 बजे उठा हूँ, 6 बजे नल चल गए थे। अब नल चलने में क्या हुआ कि हमारी मोटर हो गई थी कल ख़राब, तो उसने ऐसी सुधार की थी कि मोटर उल्टी घूम रही थी तो पानी को वापस खींच रही थी। फिर क्या हुआ, फिर भाई मैंने उसको जैसे तैसे करके चालू किया, फिर जैसे उसको चालू किया नीचे की लाइट उड़ गई, फिर लाइट को सुधारी, फिर इसके बाद मैं मोटर को सही करा, अब जाके थोड़ा फ्री हुआ हूँ। अब जाके इसके सामने बैठे हैं, अब दूसरा काम करना है, बताओ। मतलब देखो गाइस इतना परेशान हुए यार, ऐसे लंका लगती है, इतने परेशान हुए हमारे भाई। कोई बात नहीं भाई, और मैंने सुना है तो हाथ पैर भी दुख रहा है उनके, इतना ज्यादा सुबह मोटर ने परेशान किया भैया को कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं। देखो गाइस इतना परेशानी है जिंदगी में, और आप लोग बस देखते हो वीडियो और देखो देखना। लेकिन गाइस अब हो गया शूटिंग टाइम, ये रहा कैमरा, इसको सेट करते हैं अच्छे से, इस पे हमारा ना समझो, जल्दी समझो, और है कि नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है उसने एक गाइस हम हो गए थे फ्री, और हम ऐसे ही यूट्यूब पर रील स्क्रॉल कर रहे थे तो हमें पता चला कि जो आप लोगों के लिए रेलवे स्टेशन पे जो लड़की आवाज़ निकालती है ना, चलिए आपको उससे मिलाते हैं, वो आज हमें मिल चुकी है, तो आप लोग आइए देखिए उसे। ये है वो लड़की, आवाज़ बड़ी खूबसूरत निकालते हो, आपकी फलानी गाड़ी जो है वो कौन से प्लेटफार्म के ऊपर आ रही है, पटरियों की जगह प्लेटफार्म के ऊपर पहुँचा देते हो। जी जी पहुँचाना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2408 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि कौन है ये लड़की, तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा गाइस। अभी ठीक है, देखते हैं और एंजॉय। तो गाइस हमारे घर के बगल में शादी, तो गाने सुनाई दे ही रहे होंगे। तो बाकी आज ज़्यादा कुछ था नहीं, शाम के टाइम मैं आया ऑफिस से, खाना खाया, और अब मैं जा रहा हूँ सोने, रात के बज गए हैं 10। तो चलिए यहीं पे करते हैं ब्लॉग को समाप्त। जय श्री राम।